व्हाट्स अप गाइस, विपिन राज हियर। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा वो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो टॉपिक पसंद आए। सो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कि हाउ टू प्लान योर ओन डाइट प्लान। आप अपना डाइट प्लान खुद कैसे प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी डाइट पर टिके रह सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो मेरी पहली आपके लिए टिप होगी, टिप नंबर वन मेरी होगी टू प्लान योर ओन डाइट प्लान विल बी मेजर योर BMR। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसिकली होता है कि आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पे कितनी कैलोरीज बर्न करती है। सिंपल है उसको कैलकुलेट करना, बिल्कुल आप ऑनलाइन जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए BMR कैलकुलेटर, और बहुत सारी आपके सामने वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ पर BMR कैलकुलेटर अवेलेबल है और आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना BMR। सेकेंड स्टेप, अपने BMR से ही आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकलेगी। कैसे? वहीं पर वेबसाइट पर ज़रूर अवेलेबल होगा, नहीं तो आप दूसरी किसी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर करके। और BMR से बेसिकली आपका जो एक्टिविटी लेवल होगा थ्रू आउट द डे, जो आपका एक्टिविटी लेवल रहता है उससे कैलकुलेट करेगा। लो, मीडियम, हाई, जैसा भी आपका रहता है, इंटेंस रहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं अपने BMR से ही। स्टेप नंबर थ्री, जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई, अब आपको अपना गोल सेट करना है। गोल क्या है कि आपका फैट लॉस होगा या फिर मसल गेन होगा। आपका फैट लॉस अगर गोल है तो मैं आपको बहुत बार वीडियोस में बता चुका हूँ, बहुत सिंपल है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से अगर आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट गेन होगा, मसल गेन होगा, और अगर मेंटेनेंस कैलोरीज से लोअर कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, तो आपने ये डिसाइड करना है कि अब कितनी कैलोरीज आपने सेट करनी है अपने गोल के अकॉर्डिंग। टिप नंबर फोर हमारी होगी कि वो जो आपका कैलोरीज अब आई है, जो आपने कैलोरीज कैलकुलेट की है, उसको डिवाइड करना है तीन चीज़ों में, जो कि है हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, इन्हीं पे हमारी डाइट बेस्ड होती है कम्प्लीटली। कैसे डिवाइड करना है इसमें? प्रोटीन के लिए सिंपल है कि सबसे पहले तो आप अपना निकालेंगे प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकालने के लिए आपको अपना चाहिए होगा लीन बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट विदाउट द फैट परसेंटेज। ओके, तो अपनी फैट परसेंटेज ऑनलाइन जैसे BMR कैलकुलेट किया था वैसे आप फैट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और अपनी फैट परसेंटेज को अपने ओवरऑल वेट में से माइनस कर देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, दोबारा मैं बता देता हूँ, आपका लीन बॉडी वेट होगा आपका ओवरऑल वेट माइनस योर बॉडी फैट परसेंटेज। सिंपल, ठीक है, आपने अपना लीन बॉडी वेट निकाल लिया, इससे ही अब आपकी प्रोटीन और फैट्स की रिक्वायरमेंट निकलेगी। कैसे? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की होती है 1 gram per pound ऑफ लीन बॉडी वेट, अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग या फिर लीन बॉडी अचीव करना है तो। फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़ दोनों के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, 1 gram per pound ऑफ लीन बॉडी वेट आपका होता है प्रोटीन रिक्वायरमेंट मिनिमम। ये आपने अपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 150 gram लीन बॉडी वेट आया तो 1 gram per pound into lean body weight equals to 150 grams, तो आपका 150 gram प्रोटीन रिक्वायरमेंट आ गया। इसको कैलरीज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू फोर करेंगे, बिकॉज प्रोटीन 1 gram में 4 calories होती है, कार्ब्स 1 gram में 4 calories होती है, और फैट के 1 gram में 9 calories होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। और अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में और अच्छे समझना है तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो करी हुई है इस चीज़ के ऊपर, वो ज़रूर चेकआउट कर लें। सो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकल गया 150 ग्राम, फॉर एग्जांपल 150 ग्राम आया, अब उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए 150 into 4 आपकी कैलोरीज आ गई। ठीक है, उसको साइड रख दिया, अब आती है आपकी फैट्स की बारी, बिकॉज फैट्स प्रोटीन के बाद फैट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। फैट्स को रिक्वायरमेंट मिनिमम निकालने के लिए 0.4 gram per pound ऑफ लीन बॉडी वेट, 0.4 gram per pound ऑफ लीन बॉडी वेट, ये है आपकी मिनिमम फैट रिक्वायरमेंट। तो फॉर एग्जांपल आपका 150 ग्राम लीन बॉडी वेट आया था तो 150 into 0.4 इक्वल्स टू योर फैट रिक्वायरमेंट फॉर द डे। ठीक है, अब इसको जो भी वैल्यू आएगी इनटू 9 करेंगे तो वो आपकी कैलरीज आ गई, उसको असाइड रख दीजिए। ठीक है, अब जो रिमेनिंग कैलरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल 800 calories बची हैं, अब आपकी जो भी डाइट आई थी उसमें से 800 calories बची हैं, तो 800 calories को 4 से डिवाइड कीजिए तो आपकी 200 ग्राम कार्ब्स आपके सामने आ जाएंगी। तो इस तरह से आप प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का कितना कितना आपको पोर्शन चाहिए पूरे दिन में, आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जब एक बार ये चीज़ कैलकुलेट हो गई तो आता है हमारा स्टेप नंबर 5, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट बट ईजी भी है। कैसे? अब प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स में आपको फूड आइटम्स डालनी है। आप पेन और पेपर लें, जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं उन चीज़ों को इन चीज़ों में डालना शुरू करें, इन स्लॉट्स में डालना शुरू करें। कैसे? प्रोटीन के आइटम्स क्या क्या होती हैं? हाई इन प्रोटीन, एग वाइट्स,
और होल एग्स भी होते हैं, और आपका चिकन ब्रेस्ट होता है, और आपका मिल्क होता है, सोयाबीन और वेजिटेबल्स भी होते हैं कुछ कुछ, जैसे ब्रोकली और स्पिनच, ठीक है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर और दाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स होते हैं। तो ये सारे प्रोटीन सोर्सेज हो गए, इनमें से आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकते हैं। फिर आती है आपकी कार्ब्स की बारी। कार्ब्स में आपने क्या करना है, सेम चीज़ जो आपने प्रोटीन में करी। कौन कौन से मेन सोर्सेज हैं, रोटी यानी कि चपाती जो होती है, ब्रेड होती है, होल व्हीट ब्रेड खानी है, वाइट नहीं खानी है, ठीक है। होल व्हीट ब्रेड हो गई आपकी, ओट्स हो गए, कीनवा हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। राइस हो गए, वाइट और ब्राउन राइस होते हैं, स्वीट पोटैटो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दाल भी प्रोटीन, दाल एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटीन में भी आता है और आपके कार्ब्स में भी आ जाता है सोर्सेज के लिए, और हेल्दी सोर्स में, बिकॉज दाल में फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपकी लिस्ट बन गई कार्ब सोर्सेज की। तो अब इसमें से आप अपनी कार्ब्स की आइटम्स पूरी कर सकते हैं जो आपको सूट करती हैं, जो आपको पसंद है और जो आप खाना चाहते हैं अपनी डाइट में, ठीक है। तीसरा आता है फैट आइटम्स। सेम चीज़ फैट आइटम्स के लिए करनी है। आपने ये ध्यान रखना है बस कि जो मेजॉरिटी आपका फैट आएगा वो अनसैचुरेटेड यानी कि हेल्दी फैट होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो थोड़ा सा, मैं उसको अनहेल्दी नहीं कहूँगा, बट वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक, ठीक है। तो जी हाँ, हार्ट अटैक वगैरह के लिए बहुत, ये एक अलग टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है फैट्स के ऊपर, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। सैचुरेटेड फैट जो होता है नॉट सो हेल्दी फैट बट स्टिल इम्पॉर्टेंट, अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो हेल्दी फैट्स होते हैं एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मेजॉरिटी आपने जो फैट्स की लेनी है वो अनसैचुरेटेड फैट से लेनी है। ऑलिव ऑयल हो गया आपका, और आपका पीनट बटर हो गया, आलमंड बटर हो गया, नट्स हो गए बेसिकली जितने होते हैं, सीड्स हो गए और सीड ऑयल जो आते हैं वो चीज़ें हो गई, एवोकाडो हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्दी फैट्स में आ जाती है, अनसैचुरेटेड फैट में आ जाती है। फिर थोड़ा बहुत आपने सैचुरेटेड फैट को भी डालना है डाइट में। सैचुरेटेड फैट्स में आपका आ जाता है घी, कोकोनट ऑयल, बटर, और आपका होल एग्स आ जाते हैं, आपका रेड मीट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सैचुरेटेड फैट के सोर्सेज हैं। इन चीज़ों को कंबाइन करके आप अपने फैट कंटेंट्स पूरा कर सकते हैं, फैट रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स पहले कैलकुलेट करें, उसके बाद आइटम्स को उन स्लॉट्स में अलॉट किया, और आपका आपके पास एक लिस्ट तैयार हुई कि आपने दिन में क्या क्या खाना है। अब कैसे खाना है वो आपके ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्स वगैरह डाले हैं तो आप उसका ऑमलेट बना सकते हैं, बॉयल्ड एग खा सकते हैं, जैसे मर्जी, साथ में आप ओट्स लगा सकते हैं। वो मील प्लान करना वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से खुद डिज़ाइन करते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। आप इस तरह से भी खा सकते हैं कि सिंपल सारे इंग्रेडिएंट्स को सामने रखा, सेपरेटली बनाया और सेपरेटली कंज्यूम कर लिया, जिस तरह से मैं करता हूँ, बिकॉज मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, तो टाइम बचाने के लिए मैं यही करता हूँ। अगर आपको क्रिएटिविटी दिखाने का या कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप उसमें थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखा के एक नई मील, कुछ एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली। तो ये सारी जो टिप्स थी ये आती हैं आपकी किस तरह से डाइट आपने अपनी खुद की डिज़ाइन करनी है। अब डाइट पे टिके कैसे रहना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाइट पे टिकने के लिए सिंपल आपको अपना गोल पता होना चाहिए। अगर गोल नहीं होगा आपके माइंड में तो आप कभी भी अपनी डाइट पे नहीं टिक सकते। आप ये पूरा आपके सामने प्लान होगा, सब कुछ होगा, बट अनटिल एंड अनलेस यू हैव द डेडिकेशन टू अचीव समथिंग, टू अचीव योर गोल, तब तक आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। सबसे पहले एक गोल बनाएं, डेडिकेशन चाहिए होती है उस गोल के लिए, एक बार में नहीं आएगी उसको अचीव करने के लिए, फिर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्लान रेडी करें। आप जब खुद रेडी करेंगे आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है एक डाइट प्लान रेडी करने में, और क्यों डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट इसके लिए इतने पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद एक बार डिज़ाइन करें। अगर आपको उसमें कोई डाउट लगता है, पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। एक दो बार और बनाएंगे अपने लिए तो आप उस चीज़ में भी अच्छे हो सकते हैं। थोड़ा और रिसर्च करेंगे, खुद से भी रिसर्च करनी चाहिए। आपकी बॉडी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप खुद डिज़ाइन करें अपना प्लान। मैंने आपको सारी टिप्स बता दी हैं किस तरह से आप प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वाटर। हमारी बॉडी 70-75% पानी की बनी होती है। पानी को बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे आप वेट गेन कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, जो मर्ज़ी मसल गेन, फैट लॉस, जो मर्ज़ी हो, पानी नहीं छोड़ना है। तो पानी आपने पीना ही पीना है, 4-5 लीटर पर डे। अब ये सारी चीज़ें हो गई एक साइड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो फास्ट रिजल्ट्स के खोज में होते हैं। उनको चाहिए कि हमारा 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में इतना फैट लॉस हो जाए। मतलब कोई बहुत ज़्यादा मोटा बंदा है वो कहेगा कि मुझे बस 1 महीने में अपना सारा फैट हटाना है, लीन बॉडी चाहिए, एब्स चाहिए। ऐसा नहीं होता। या एकदम स्किनी बंदा आएगा वो बोलेगा कि मेरे को एकदम बल्की बॉडी बनानी है, 1-1.5 महीने में बनानी है। ऐसे नहीं होता है।
कोई भी डाइट आप फॉलो करते हैं, कोई भी वर्कआउट प्लान आप फॉलो करते हैं, आपकी बॉडी को उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो वो टाइम उसको दें, एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 12 वीक्स लगते ही लगते हैं किसी भी प्लान का कंप्लीट रिजल्ट दिखने में। और उसमें भी ये होता है कि आप कुछ परसेंटेज तक अपना अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा बंदा है, उसका बॉडी फैट अराउंड 20-25% है, उसको चाहिए कि मैं 10% या 9% बॉडी फैट पर आ जाऊँ, मेरे सिक्स पैक एब्स हो जाए बहुत अच्छे। क्या लगता है एक महीने में अचीव होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता एक महीने में अचीव, अनटिल अनलेस वो बंदा स्टेरॉइड्स पर है और बहुत सारी मेडिकेशंस यूज़ कर रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नेचुरल एथलीट्स की, नेचुरल लोगों की जो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं और सिर्फ डाइट पर फोकस करते हैं। आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। इसको अचीव करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, 4 to 5 months, 6 months भी लग सकते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपने आप को टाइम दे, ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि हम बहुत जल्दी से कोई भी चीज़ अचीव कर लेंगे, बहुत जल्दी वेट गेन कर लेंगे, मसल बना लेंगे, या फिर बहुत जल्दी हम अपना फैट लॉस कर लेंगे और एकदम श्रेडेड हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब एक मिथ है। जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे हैं आप उनको खोल के देखें, वो कितनी ज़्यादा बकवास होगी आप खुद रिसर्च करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जो बहुत सारी क्लिक बेटिंग होती है कि लूज़ 7 kgs इन 1 week और दिस एंड दैट, बहुत सारी अजीब चीज़ें होती हैं। अपना हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो ये ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई। कोई और क्वेश्चंस हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर कुछ और क्वेश्चंस है और इंस्टाग्राम पे नहीं भी पहुँच पा रहे हैं, तो आप कमेंट में भी मुझे ये चीज़ बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।